उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद के सरकारी अस्पताल में सुजीत की पत्नी संजीता ने पुत्र को जन्म दिया। सुजीत और संजीता पुत्र रत्न पाकर बेहद खुश थे, मगर सुजीत और संजीता की खुशियों पर उस वक्त ग्रहण लग गया जब नर्स ने नेग में 5100 रुपए की डिमांड कर डाली। आरोप है कि 5100 रुपए के चक्कर में अस्पताल कर्मियों ने नवजात बच्चे को 40 मिनट तक मेज पर रखा। इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि बच्चे की मौत हो गई। अब लखनऊ से लेकर मैनपुरी तक बवाल मचा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मामले का संज्ञान लिया है। वहीं डीएम अंजनी कुमार सिंह ने करहल सीएससी पर नवजात की मौत और रिश्वतखोरी की असलियत जानने के लिए जांच बैठाई है। इसी पर एक नवजात बच्चे का प्रसव के दौरान उसको नर्स के द्वारा 5100 रुपए उसको नेग ना देने पर बच्चे की मौत का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला है? देखिए, समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है और यह पाया गया है कि 18 सितंबर की घटना थी, जैसा मुझे याद कर पा रहा हूँ, और समाचार पत्र में ये उसके 10 दिन बाद आया। हालांकि समाचार पत्र से जानकारी मिलने पर मैंने तत्काल सीएमओ साहब से अनुरोध कर लिया, हमारे साथ खड़े हैं, कि एक कमेटी बनाकर या जैसे ये उचित समझे इसकी जांच की जाए। इन्होंने कमेटी बना दी है, बहुत जल्द जांच में ये सामने आ जाएगा और यदि किसी की लापरवाही, शिथिलता या इस प्रकार की बात पाई जाती है कि धन की मांग की गई तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। अभी तक किसी पर स्टाफ पर कोई भी कार्रवाई की गई है? अभी तक एक स्थानांतरण, एक जिस पर आरोप था उसका स्थानांतरण सुल्तानगंज शायद कर दिया गया है, ये भी मुझे पता चला है सीएमओ साहब से। तो लेकिन केवल स्थानांतरण ही पर्याप्त नहीं है, यदि उसकी मिलीभगत पाई जाती है। एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि घटना 18 की है और ये प्रकाश में आई है 10 दिन बाद, तो इसमें जांच, तथ्यों की जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं सुजीत का आरोप है कि ज्योति नाम की नर्स ने 5100 रुपए नेग न मिलने पर बच्चे को कपड़े में लपेट कर मेज पर रख दिया था। जब तक पैसा नहीं मिला नर्स ने बच्चा नहीं दिया। जैसे तैसे सुजीत ने 5100 रुपए जुटाए, लेकिन पैसों का इंतजाम करने में करीब 40 मिनट लग गए। इस दौरान नवजात बच्चे की हालत बिगड़ गई। सुजीत और संजीता बच्चे को लेकर सैफई मेडिकल कॉलेज आए, मगर वहां से बच्चे को पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया, जहां बच्चे की मौत हो गई। वैसे ये मामला है 19 सितंबर का, लेकिन गरम 10 दिन बाद हुआ। नवजात बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका खुलासा तो जांच में होगा। फिलहाल मैनपुरी में नवजात बच्चे की मौत ने साफ कर दिया है कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में नेक के नाम पर लूट जारी है।